मेहनत और सच्ची लगन के साथ किया गया काम हमेशा रंग लाता है। ऐसे ही हौसलों के साथ यमुनानगर के 13 साल के छात्र लक्ष्य का फुटबॉल नेशनल अंडर 14 चैंपियनशिप में चयन हुआ। अब ये हरियाणा की टीम की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलेगा। छोटी उम्र और बुलंद हौसलों की मिसाल है लक्ष्य। जिस उम्र में बच्चे मोबाइल और टीवी को अपना मनोरंजन मानकर उस पर समय बिताते हैं, उस उम्र में लक्ष्य ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। लक्ष्य अब हरियाणा की तरफ से अंडर 14 चैंपियनशिप में खेलता नजर आएगा। कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोनाल्डो को टीवी पर देख उसके मन में फुटबॉल के प्रति ऐसी ललक जागी कि उसने फुटबॉलर बनने की ठान ली। नंबर वन अकेडमी इस टाइम की, तो वो इंडिया की, ऑल इंडिया की नंबर वन अकेडमी है। उसमें से ऑल इंडिया बच्चे आए थे, उनमें 60 बच्चे सेलेक्ट करने थे। उन्होंने उन 60 में मैं सेलेक्ट हो गया था, बट उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 420 के करीब थी उनकी फीस। तो हम जा नहीं पाए, हम अफोर्ड नहीं कर सके। और अभी मैं पीछे यहाँ पे ट्रायल जो है थे रेजिडेंशियल अकेडमी के यमुनानगर, तो उसमें भी अंडर 19 के, 17 के और 14 के बच्चे लिए थे, 20 कुछ बच्चे लिए थे, तो उसमें भी मैं सेलेक्ट हो गया था। लक्ष्य के पिता राजीव मेहता बताते हैं कि लक्ष्य ने स्कूल टीम में ही अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाना शुरू कर दिया था। उनके खेल को देखकर ही लगता था कि वो कुछ बड़ा करेगा। हालांकि कुछ मौके ऐसे भी आए जब उनका अच्छी अकेडमी में एडमिशन हुआ, लेकिन आर्थिक तंगी आड़े आ गई और वो एक बड़ी अकेडमी का हिस्सा नहीं बन पाया। ये 5th क्लास में इसको थोड़ा इंटरेस्ट हुआ फुटबॉल की तरफ जाने का। मोटिवेट किया इसने उसको अपना रोनाल्डो को देख के, पीछे फोटो लगी आप देख ही रहे, तो उससे मोटिवेट हुआ। उसके बाद ये लगातार स्कूल में जब पार्टिसिपेट किया, वहाँ के सर्टिफिकेट्स मैंने आपको दिखाए सारे, वहाँ पर इसने मेडल्स लिए सारे। उसके बाद ये टूर्नामेंट्स खेलना शुरू हुआ स्टेट्स की तरफ, स्टेट्स की टूर्नामेंट खेली इसने 2-3 अब हरियाणा से, यमुनानगर की तरफ से। फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ट्रायल हुआ था सोनीपत में, उसमें अकेडमी आई थी गवर्नमेंट की अंडर 14 की, तो उसमें सारे हरियाणा से 250 बच्चे आए थे, जिसमें से 40 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसमें सेलेक्ट हुआ था, बट किसी पॉलिसी की वजह से वो अकेडमी कैंसिल हो गई। तो उसके बाद काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। अभी नेशनल कैंप लगेगा इसका अम्बाला में 15 दिन बाद लगना है, तो उसमें ये हरियाणा की टीम की तरफ से नेशनल खेलने जाएगा हीरो कप के लिए। लक्ष्य के कोच भी उनकी प्रतिभा के दीवाने हैं। वो बताते हैं कि यमुनानगर में कहीं भी टूर्नामेंट हुए तो उन सभी मुकाबलों में उन्होंने अपने हुनर का जलवा बिखेरा। कई बार वो बेस्ट प्लेयर के अवार्ड से भी नवाजे गए। सर ये बच्चे, इसका नाम है, और ये मेरे पास 2 साल से आ रहा है, और ये मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में पार्टिसिपेट इसने 3-4 बड़ी जगह, वहाँ पे इसको बेस्ट प्लेयर का इनाम भी मिला है। और अब ये अंडर 14 नेशनल जो कि अभी डिसाइड हुई नहीं है, लेकिन अगस्त 12 को टीम है। यमुनानगर के लक्ष्य का लक्ष्य अब राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ने का है। अगस्त में होने वाले टूर्नामेंट में लक्ष्य अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते नजर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि लक्ष्य यहां से अच्छा खेलकर बड़ा मुकाम हासिल करें। खबरें अभी तक के लिए यमुनानगर से प्रवीण मौदगिल की रिपोर्ट।